आपने क्या कहा? अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कमलनाथ मेरी पार्टी के लेकिन गलत किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंधिया जी छोड़ के काहे को आए? अरे 15 साल में बने थे कमलनाथ, 15 साल में मुश्किल से तो दाल घली थी, वो भी थोड़े बहुत वोटों से। वोट हमें ही ज्यादा मिले थे, सीट 3-4 ज्यादा हो गए। मंत्री जो सरकार में शक्तिशाली मंत्री माने जाते थे, एक विकास का काम नहीं कर पाए इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, एक विकास का काम। और जब जाके कहते थे सिहोरा में ये काम कर दो, सुर्खी में कर दो, जयसिंह नगर में कर दो, राहतगढ़ में कर दो, तो कहते थे क्या करें पैसे ही नहीं है। पैसा कहाँ चला गया? जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के, कि मुझे उस आदमी के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जिसके पास में विकास की सोच है। आज सुर्खी विधानसभा में मैं 15 महीनों में 5 पैसे नहीं ला सका और शिवराज सिंह चौहान जी ने खजाना खोल दिया और कहा कि जाओ जो काम कराना है कराओ गोविंद। 500 करोड़ रुपया के काम न केवल स्वीकृत हुए बल्कि वो काम भूमि पूजन होने के बाद काम लग गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था राजगढ़ में कि अभी तो सुर्खी विधानसभा के विकास कार्यों का ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से सुर्खी क्षेत्र की विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। ये मुझे विश्वास है हम सब ये संकल्प ले, ये चुनाव विकास के लिए प्रगति के लिए है और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए। आप सबका आशीर्वाद मुझे आने वाली 3 नवंबर को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा आशीर्वाद मान के मैं चल रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम।